हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम बताएंगे कि अगर आपका पोको का फ़ोन है तो ऐसे आप लोग पोको का फ़ोन को जब आप एप्लीस को खोलोगे तो खोलने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, फोटोग्राफी, टूल्स, शॉपिंग। ठीक है गाइस, इन सब को आप लोग कैसे हाइड कर सकते हैं तो मैं फिर से आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मेरा एक पोको का फ़ोन है और मैंने ये फ़ोन जो है पूरा नया है। तो उसके बाद जब मैं इसको ऐप लिस्ट को ओपन करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, एंटरटेनमेंट, फोटोग्राफी, कम्युनिकेशन और फास्ट में है ऑल का ऑप्शन। तो ये सब मुझे हाइड करना है, तो मैं इसको कैसे हाइड करूँगा तो आज हम आप लोगों को यही बताने वाले हैं कि ये सब आप लोग कैसे हाइड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को लॉन्ग प्रेस करना है हम लोगों के होम स्क्रीन पे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है नीचे राइट साइड में, तो हम सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर लास्ट में नीचे देख सकते हैं मोड का ऑप्शन है, तो हम मोड पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऐप ड्रॉयर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर ऐप ड्रॉयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज ऐप कैटेगरीज़ का ऑप्शन है, तो हम मैनेज ऐप कैटेगरीज़ पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर कैटेगरीज़ ऐप्स हमारा ऑन है, तो हम अगर इसको ऑन ऑफ़ कर देंगे तो ऑफ़ करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा ऐप लिस्ट है वहाँ पर कोई भी मतलब वो ऊपर में जो लिखा हुआ था एंटरटेनमेंट, फोटोग्राफी, वो हाइड हो चुका है। तो ऐसे करके आप लोग इसको हाइड कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।